जनता जब सियासत के सौदागरों को दफा करने की ठान लेती है, जनता जब काली सियासत करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा देती है, तो हार का डर नफरत में बदल जाता है। लेकिन इस हद तक गिर जाएंगे ये कभी नहीं सोचा होगा। ये मैं नहीं कह रही बल्कि अमेठी का कार्यकर्ता कह रहा है। स्मृति ईरानी बड़ी बड़ी डींगे हांकती नजर आती है। आज उसी अमेठी में बीजेपी किस हद तक गिर गई है, जरा आप भी देखिए। अरे जब जनता ने बीजेपी को करारा जवाब देना शुरू किया, जब चुनाव में बुरी तरह हार का डर दिखाई देने लगा, जब अमेठी के मतदाता पूरी तरह नकारने लगे, तो काली सियासत के कुछ ठेकेदारों ने नया बखेड़ा करना शुरू कर दिया। अमेठी कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई। अमेठी के कांग्रेस प्रत्याशी किशोर लाल शर्मा के समर्थकों पर हमला किया गया। ये जानलेवा हमला है, शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ता लाठी डंडों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ते हैं। ये तभी हो रहा था जब घटना के वक्त किशोरी लाल शर्मा अमेठी कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। कांग्रेसियों की 6 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी जाती हैं और 4 कांग्रेस कार्यकर्ता भी बुरी तरह से घायल होते हैं। तोड़फोड़ के बाद मौके से भाजपा कार्यकर्ता फरार हो गए। अब काली सियासत करने वालों की बौखलाहट सामने आ चुकी है। आए दिन अखबार की मोटी मोटी हेडलाइंस में छपी अमेठी की बदहाली, और इस बदहाली को जब बदलने की तैयारी जनता कर लेती है तो काली सियासत करने वाले इस हद तक गिर जाते हैं। तस्वीरें और खबर आपके सामने।